हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महिंद्रा ईवो 475 DI। देखो तो इसका जो है स्टार गियर का जो सिम्स है, सिम्स ख़राब हो चुका था, सिम्स को नया डालूंगा। और कितना मोटा सिम्स है उसको दिखाऊंगा आपको। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा, जानता हूँ टाइम बहुत कीमती है। देखो इसका जो सिम्स है इतना मोटा है, अंदर दिखा देगा अंदर। देखो यहाँ पर खाँचा है, ये सिम्स को कुछ इस तरीके से उसको फिटिंग करके उसके बाद स्टार गियर को फिटिंग करना है। सिम्स नया लेके आया हूँ, लेकिन इसका जो है पार्ट नंबर आपको नहीं दिखा पाऊंगा। इसका स्टार गियर देखो तो ये जो इसमें खासा दिया है सब में बोल्ट में क्या है, ये लॉक होगा, बोल्ट से लॉक होता है। तो इस तरीके से सेटिंग कर लिया हूँ, अंदर देखो तो इस तरीके से जो है आप आई कि नहीं चेक करना है। ऊपर में भी इस तरीके का मोटा सीट नहीं है, इस तरीके का ग्रीस लगा लेना है, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इस तरीके से आपको ग्रीस लगाएंगे, उसके बाद जो है सेटिंग करना है। तो अच्छे से जो है फिटिंग कर लिया हूँ। इसका बोल्ट चार छोटा है, चार बड़ा है, इसको ध्यान रख आपको सेट करना है। देखो तो ये जो स्टार गियर का पिन है, पिन के साथ एक बोल्ट जो है लंबा है, और यहाँ का जो बॉडी का बोल्ट छोटा है, और एक बैरिंग थोड़ा बड़ा है, एक बैरिंग छोटा है इसका। देखो तो इस तरीके का है। अभी इसका जो बॉडी है स्टार गियर का पूरा कंप्लीट सेट करूँगा, किस तरीके से सेटिंग कैसे उसको दिखाऊँगा आपको। अंदर में देखो तो अच्छे से जो है इसको सफाई कर लिया हूँ, पूरा अच्छे से सफाई कर लिया हूँ। इसका पिनियन का जो दाता है, दाता को भी आपको गिन के बोल देता हूँ कितना दाता का है। इसका पिनियन 10 दाता का, इसका जो पिनियन है 10 दाता का है। तो इसका स्टार गियर का जो बॉडी है, इसका थाली है, अभी इसको सेटिंग करूँगा। देखो तो इसका क्राउन जो है सेट कर लिया हूँ, और इसका बेयरिंग इधर से दिखा दो, नीचे से एक साइड में बड़ा बेयरिंग है, बेयरिंग का जो नंबर है देख सकते हो आप, इनका 1910 इसका नंबर है, और एक नंबर है इसमें 1423 का जो नंबर है। तो दो नंबर से आप जो है बेयरिंग को लेके आ सकते हो, पार्ट नंबर है, इसका नंबर है। इस तरीके से जो है कोन में सेटिंग होगा, दिखाओ इसको, इस तरीके का ढांचा में सेट होता है। छोटा बेयरिंग है ये सेट का, देखो काउंटर में दो बेयरिंग है स्टार गियर में, एक बड़ा है एक छोटा है। इसका भी जो नंबर है देख सकते हो 0806 इसका नंबर है, और इसका पार्ट नंबर है 33111। इस तरीके से जो है फिटिंग रहता है, बहुत आसान है। देख सकते इस तरीके से जो सिम्स है, इसमें सिम्स को आपको सेट करना है। चार सिम्स है इसमें, ये क्या है इसका जो पिले है, पिले को बंद करता है, क्या पिले ज़्यादा रहने से किराउन टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको देना ज़रूरी है। इस तरीके से आसानी के साथ आपको जो है सेटिंग करना है।
जैसे इस साइड कंप्लीट कर लिया हूँ, एक साइड इस तरीके का इसका सिक्स है, चार सिक्स है इसमें भी। इस साइड में जो बड़ा बेयरिंग है इसको भी इस तरीके से आपको जो है आसानी से जो है सेटिंग कर। देख सकते हो इस तरीके से जो है पूरा टाइट करके फ्री घूमना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए। देख सकते हो इसका फिल्टर, इस तरीके से आपको फिल्टर सफाई करके सेटिंग करना है। इधर से भी निकल जाता है फिल्टर, उधर से भी निकल जाता है फिल्टर। यहाँ पे ओरिंग है, एकदम पोजिशन डैश कर दे रहा। देख सकते हो अभी ब्रेक शो सेट करूँगा। ये जो ब्रेक शो है नया है, जीकेएन कंपनी का ब्रेक शो है। देख सकते हो ब्रेक शो का जो लॉक है, ये खाचा में आपको जो है सेटिंग करना है, अंदर में इसको इस तरीके से रख के खाचा में सेटिंग करना है। ब्रेक शो सेट कर लिया हूँ, स्टील प्लेट भी सेट कर लिया हूँ, उसके बाद इसका मैकेनिक जंप भी सेट कर लिया हूँ। इस तरीके का पिन है, पिन आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। और एक ब्रेक इस तरीके से आपको रख के ऊपर का जो प्लेट है, प्लेट को आपको टाइट कर देना है। तो अभी जो है इसका एक्सेल पूरा गाड़ी सेट करके ही आपको दिखाऊंगा। पूरा जो सामान है सेट कर लिया हूँ, ब्रेक शो इस ये सेट का भी जो है सेटिंग कर लिया हूँ, और इसका जो एक्सेल है, एक्सेल दोनों सेम है, दोनों लंबाई में सेम है, इसमें 14 जाता है, इसमें 23 जाता है। एक्सेल भी एक चेंज करूँगा इसका, देख सकते हो एक्सेल जो है ख़राब हो चुका है। और देख सकते हो इधर जो है, इधर एक सीम्स है, इधर भी ऊपर में भी एक सीम्स है, इस तरीके का सीम्स देख सकते हो। इसको देख के आपको सेटिंग करना है, नहीं तो क्या है चाल हो जाएगा। और ये बियरिंग एक 6207 का, 6308 का, नहीं 6307 का बियरिंग है देख सकते हो, और 6208 का बियरिंग, दो बियरिंग है इसमें पीटीओ का। अभी इसको सेटिंग करूँगा, चलो डालो। इस तरीके से आपको जो है सेटिंग करना है। वीडियो का गियर वहाँ पर सेटिंग करने तो बहुत इजी से सेट हो चुका है, देख सकते हो जो है सेटिंग हो चुका है। जो बोल्ट है बोल्ट को टाइट करेंगे अभी, देख सकते हो पूरा जो कंप्लीट कर लिया हूँ ब्रेक शो फिट करके। अभी इसका जो एक्सेल है, एक्सेल दिखाओ, एक्सेल देख सकते हो, एक्सेल दो एक्सेल है इसमें, दोनों सेम एक्सेल है। और इसका जो अंदर में बोल्ट है, बोल्ट के साथ एक वॉशर है, इस तरीके का वॉशर दिखाओ, वॉशर का लॉक है, लॉक इसका, लॉक का पार्ट नंबर भी देख सकते हो, रेट भी ज़्यादा नहीं है इसका। लॉक को निकालो थोड़ा, देख सकते हो ये लॉक है इसका, इस तरीके का क्या है बोल्ट को लॉक करने के लिए, ताकि जो बोल्ट निकल ना जाए, निकलने से क्या एक्सेल जो बड़ा एक्सेल है वो निकल जाएगा। यहाँ पर एक ओरिंग भी है देख सकते हो, ओरिंग। अभी एक्सेल को हम सेट करेंगे, देख सकते हो एक्सेल को जो है अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ। अभी इसका जो बोल्ट है, बोल्ट को इस तरीके से आपको टाइट कर देना है। देख सकते हो ईबो का जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक का डिस्ट्रीब्यूटर, नोवो का डिस्ट्रीब्यूटर सेम डिस्ट्रीब्यूटर है इसका, जो सेम है पूरा ऐसे रिंग लिंक रोलर वो भी इसका सेम है, इसका बोल्ट जो है वो भी सेम है। देख सकते हो ये रोलर, इसका जो पुराना रोलर है, पुराना जो रोलर है
घिसके जो है ख़राब हो चुका है इसका, इसलिए जो है इसका हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा था ठीक से। इसका जो बोल्ट है, जैसे बोल्ट इसका जो है बैंड हो गया है, बैंड होने से भी काम नहीं करता। ये नया इसका रोलर है, लिंक रोलर, इसका जो पार्ट नंबर है लेकर उसको जैसे इसका पार्ट नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ईवो का और नोवो का सेम पार्ट नंबर है और इस तरीके का बोल्ट देख सकते हो, नया है बोल्ट। वॉशर, वॉशर देखो थोड़ा, ये वॉशर, इसको वॉशर को भी आपको सेट करके लगाना है। देख सकते हो लिंक रोलर, इसका बोल्ट सेट कर लिया अभी, इस तरीके का पिन से आपको जो है लॉक कर देना है। देख सकते हो लिंक रोलर का ये जो काम है, ये रोलर लीवर को ऊपर उठाने से ये जो इसको धकल देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर में काम करता है इसका। और एक जो इसका हाथा है, हाथा से कनेक्ट है एक जैसे पीछे और एक सामने। अंदर में कुछ नहीं है, एक स्प्रिंग है, इसका एक राड है और ज़्यादा सामान नहीं है अंदर में। और इसका अगर पार्ट नंबर चाहिए तो मेरा दूसरा वीडियो में भी इसका जो लिंक रोलर का पार्ट नंबर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अभी इसको हम फिटिंग करेंगे, देख सकते हो एक्सेल भी फिटिंग हो चुका है। अभी जो अंदर में इसका देख सकते हो, ज़्यादा पिक्चर का भी कंप्लीट कर लिया हूँ। अभी जो टापा है, टापा को सेटिंग करूँगा इसका। देख सकते हो पूरा टापा को फाइनली फिट कर लिया हूँ। इस तरीके का मोटा बोल्ट, दो बोल्ट है इसमें। टापा को निकलते टाइम अगर नया आदमी इसको खोलेगा तो ये सब जो बोल्ट है उसको देख के आसानी से खोले, नहीं तो क्या टापा में प्रेशर देने से इसका जो बॉडी है टूटने का डर रहता है। दो बोल्ट है लंबा और पीछे एक ठो है, यहाँ पर एक ठो है, ये तो दिखेगा लेकिन ये वाला क्या है जो, क्योंकि तो नया आदमी है उसको ये बोल्ट जो है इसको नहीं खोलता है और टापा को प्रेशर दे देता है, ऐसा ना करे। तो अंदर में यहाँ पर एक ठो बोल्ट है, देख सकते हो इसको क्या खोलने के लिए इसको ऊपर का कंट्रोल का जो सिस्टम है खोलना पड़ता है। ये भी बोल्ट आपको देख के आसानी के साथ जो है खोलना है। देख सकते हो बोल्ट को फिटिंग कर लिया हूँ, अभी इसको कुछ इस तरीके से आपको जो है खोल के, और जो बोल्ट आपको खोल के उसके बाद टापा निकालना है। तो ये सब जो चीज़ है आपको ध्यान रख के खोल भी सकते हो और फिटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है डिस्ट्रीब्यूटर, हाइड्रोलिक, स्टार गियर और ब्रेक शो खोल के घर में बैठ के आसानी के साथ जो है चेंज कर सकते हो। इधर जो है इसका ईवो का एलिंक ही रहता है और जो नोवो है डोजर उसमें क्या है बोल्ट रहता है सामने से, जैसे तो ये जगह है एलिंक के आगे से बोल्ट लगाने के लिए, इधर से आयल पसिंग करने के लिए। पूरा जो टापा सेटिंग कर लिया हूँ, अभी इसका जो है इसका प्लेंट्री का एक्सेल और प्लेंट्री ख़राब हो चुका है, अभी एक्सेल का जो हाउसिंग है वो बचा है उसको सेट करूँगा और प्लेंट्री किस तरीके से फिटिंग करते हैं तो उसको दिखाऊँगा। देख सकते हो प्लेंट्री का जो गियर है टूट चुका है, इस तरीके से आपको जो है खाली एक पिन है, पिन को निकालने से आपका जो है इस तरीके का जो पिन निकल जाएगा। देख सकते हो यहाँ से एक पाइप पिन लगा रहता है, इसको निकालने से ये जो पिन है निकल जाएगा। ये सब जो है सेट कर लिया हूँ, नया है। देख सकते हो इसका जो प्लेंट्री गियर है, गियर को देखो, इसका जो पार्ट नंबर आप देख सकते हो 00650-10-999 इसका रेट पार्ट नंबर B1 इसका पार्ट नंबर देख सकते हो 29T। देख सकते हाफ एक्सेल है, ये भी टूट चुका था यहाँ से, इसको भी नया लेके आया। इसका दिखाओ पार्ट नंबर, इसका शाफ्ट, ये शाफ्ट है, शाफ्ट का जो पार्ट नंबर है 00650-10-4-9-7-B1 14T। देखो इसमें कितना दाता है वो भी इसमें लिखा रहता है, इसका रेट भी है 4153 रुपये, अभी का रेट है 5000 से ऊपर। इस तरीके का जो है बियरिंग अंदर में रहता है, इस तरीके का वॉशर, दो सिम्स, इस तरीके का सिम्स कटा हुआ, पूरा जो है सामान सेट करना है। पहले
बैरिंग, उसके बाद एक वॉशर और एक बैरिंग। हल्का थोड़ा ग्रीस इस तरीके से आपको लगा लेना है ग्रीस को। उसके बाद सिम्स, ऊपर का भी सिम्स को इस तरीके से फिटिंग कर लेना है। इस तरीके से कैसे भी आप सेट कर सकते हैं इसको घुमा के। और पिन इस तरीके से ये वाला नीचे रहेगा, इस तरीके से जो है पिन को आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। इस तरीके का चेहरा पिन लॉक करने के लिए सेट हो चुका है। इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रिक गियर को घर बैठ के आसानी के साथ जो सेट कर सकते हैं। देखो तो पूरा जो गियर को सेट करके एक्सल में फिटिंग कर लिया हूँ। अभी बोल्ट टाइट करके लॉक दिखाओ, ये वाला लॉक से आपको सेटिंग कर देना है। अभी एक्सल फिटिंग करके चला के दिखाऊंगा आपको। पूरा जो है सेटिंग कर लिया हूँ। यहाँ पे जो ओरिंग है इस टाइप का रबर को भी सेटिंग कर लिया हूँ। इसके रबर का जो पार्ट नंबर आपको दिखा देता हूँ, 0065 इनकावन 0065 10511 भी ऑन 23 रुपये रेट है इसका। अभी नया का रेट ज़्यादा है। देखो तो अभी जो हाउसिंग को उठा के फिटिंग करके इसका भी ब्रेक्सो स्टील प्लेट पूरा जो है सामान नया है। और आयल डाल के सामने का थोड़ा काम करके स्टार्ट करके चला के दिखाऊंगा आपको। लगाओ नंबर लगाओ। तो फाइनली पूरा गाड़ी बना के इसका हाइड्रोलिक का जो टापा स्टार्टर पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। चक्का भी पूरा सेटिंग कर लिया हूँ। अभी आपको चला के दिखाता हूँ। देखो तो पूरा जो सही है, चेक कर लिया हूँ गाड़ी को। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है घर में बैठ के आसानी से स्टार्टर का सिम पूरा जो है बदल सकते हो।